वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो आपने कल देख चुके हैं कि कल हम आ गए थे गुप्त काशी आ गए थे और आज हम निकल चुके हैं केदारनाथ के लिए। और अभी हम निकल चुके हैं और अभी हम जाम में फंसे हैं। इधर से 1 किलोमीटर लंबा जाम है, बहुत दूर है और हम 2-3 घंटे हो गए हम फंसे हैं। तो और अभी पता भी नहीं है कि कितने दूर है और केदारनाथ और कब ट्रिप स्टार्ट करनी है। सो चलो देखते हैं क्या होता है अपने साथ। सो अभी हम बस से निकल चुके हैं क्योंकि बस अभी जाम में फंसी है और हम पैदल आ गए हैं सीतापुर तरफ। और ये टैक्सी के लिए और ये लंबी चौड़ी लाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लगी है और इधर सब लोग हैं, लाइन में लगे हैं। और मैं आपको बताता हूँ कितनी लंबी लाइन है, देख सकते हो इतनी लंबी लाइन लगी है। और वो पीछे देखिए, हम बहुत पीछे से आ रहे हैं और हम ऐसे ही लाइन में लगते जा रहे हैं। पता नहीं हम कब तक के पहुँचेंगे, जब पहुंचेंगे जब आपको पता चल जाएगा। और इधर का व्यू बहुत प्यारा आ रहा है, देख सकते हो। और इधर साइड खाने पीने की दुकान भी है, ये हमारा दोस्त है और देख सकते हो। और इधर सब लोग लाइन में लगे हैं। सो चलो अब हम आपसे बाद में मिलते हैं। अभी हम सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं और अभी इतनी लंबी लाइन है लगी हुई और सब लोग इधर थक गए हैं चलते चलते सब लोग। और हम सोनप्रयाग से लेंगे जिप्सी और मतलब सुमो बुलेरो, उसके बाद हम जाएंगे गौरीकुंड, फिर गौरीकुंड से हमारी यात्रा स्टार्ट होंगी, फिर गौरीकुंड से हम सीधे घोड़े में जाएंगे और Hi। और ये हमारी टीम है पूरी, हर हर महादेव देख सकते हो। और चलो अब हम आपसे जिप्सी में मिलते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये सब घोड़े और ये देख सकते हो ग्लेशियर्स है ये, और कितना सुंदर दिख रहा है वो देख सकते हो, वो जियो की लाइन है और इधर नेटवर्क पकड़ रहा है और इधर साइड खाई है। और देख सकते हो जैसे कि ये सब कितना इतना सारे भीड़ है घोड़े, तो इतने सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इतनी भीड़ है। और मौसम भी आज का साफ हो रहा है और मस्त भी लग रहा है मौसम। और देख सकते हो पूरी हरियाली ही हरियाली है, कुछ लोग पालकी से जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं और कुछ लोग घोड़े से जा रहे हैं। घोड़े से जाने वालों की लाइन बहुत ज़्यादा है जैसा कि आप देख सकते हो। और कितना सुंदर मौसम हो रखा है, मस्त हवा भी चल रही है। और ये मेरे पापा जी हैं और हम इधर बैठ के नाश्ता कर रहे थे क्योंकि हमको लग रही थी ठंड, और मैं वो हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमने घोड़े की चढ़ाई चालू कर दी है और ये बहुत टफ तो नहीं लग रहा था ज़्यादा, पहले बार में कठिनाई हुई उसके बाद नहीं हुआ। मैं क्या बोलते हैं बहुत आगे चले गया था मेरा घोड़ा। मम्मी जी का है ये जो आपको दिख रहा है, तो ये वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।